لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि क्या आप शुरू से ही ऐसी थे या आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई। आप एज अ टीनेजर कैसे थे, जब एक लड़कपन का ज़माना होता है, जब जवानी का ज़ोर चढ़ता है, तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी। तो उस एक्सपीरियंसेस को कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ। मैं बॉयज़ ओनली स्कूल में था, तो को एजुकेशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए वो एलिमेंट जो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में रहा हो कि को एजुकेशन के जो चीज़ें होती हैं, मसाइल होते हैं, उनसे अल्लाह ताला ने मुझे बचाए रखा। इट वॉज़ अ बॉयज़ ओनली स्कूल जिसके अंदर तालीम मैंने हासिल की। लेकिन एज़ अ टीनेजर और मसाइल होते हैं। उस ज़माने में जवानी का जोश सब पे चढ़ा होता है। तो मुझे याद है कि आई वॉज़ अमंग गुड स्टूडेंट्स इन क्लास। मैं क्लास के अच्छे तालिब इल्मों में शुमार किया जाता था। मैं क्लास में अव्वल भी आया, टॉप रैंक्स में रहा। लेकिन साथ साथ एक अच्छी बात ये थी कि मेरी दोस्ती क्लास के ऑलमोस्ट हर शख्स से थी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गुंडा बदमाश हो, चाहे वो पढ़ाकू हो। हर किस्म के तबके, हर किस्म के आदमी से, हर किस्म के बंदे से मेरी दोस्ती थी। और मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता था या उससे कुछ सीखना होता था, तो जैसे और भी ज़्यादा होशियार तालिब इल्म होते थे उनसे अगर सीखना होता तो सीखता भी था। और जो गुंडे बदमाश किस्म के लोग होते थे, उमूमन लोग उनसे दूर रहते हैं। मैं चूंकि उनके साथ काफ़ी अरसे से पढ़ा भी था और कुछ नए बच्चे दूसरे स्कूल से आए भी थे, लेकिन मैं उनके साथ इसलिए रहता था कि मेरी तबीयत में ये चीज़ नहीं है कि मैं किसी से कट के रहूं या किसी को काट दूं। तो मैं सबसे मिल के रहता था। और उसकी एक वजह यह भी थी कि अगर इन लोगों को यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो इनकी इसलाह कौन करेगा। इनमें से बहुत सारे बच्चे बचपन से हमारे साथ पढ़ते रहे, तो अब उनकी सलाह भी, उनको अच्छी तरफ लेके जाना, उन्हें बुराइयों से रोकना, इसके लिए भी तो ये भी तो किसी का काम होना चाहिए। तो ये एक सोच थी मेरी उस ज़माने में भी। तो मैं इन्हें टोका करता था कि देखो, जब ये गालियाँ देते थे कि देखो गाली ना दिया करो, अच्छी बात नहीं है, अपनी ज़बानों को साफ रखो। तो मुझे आज भी याद है कि जब, क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, लोग गालियाँ बहुत देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और उस ज़माने में बड़ा एक ट्रेंड भी था, शायद अब भी होगा, कि वो गाली देने को समझते थे कि अब हम बड़े हो गए, तो वो ज़बान, गंदी ज़बान के इस्तेमाल से वो समझते थे कि अब हम बड़े हो गए, तो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ, और फिर ग़लत मजाक, उसको मैं सख्त मना करता था। उस ज़माने में मुझे याद है कि देखो मजाक जो है ना, उसमें भी ओछापन, गंदापन नहीं होना चाहिए, हर चीज़ इखलाकियात में होनी चाहिए। अब वो मेरे सामने नहीं करते थे, मेरे साथ नहीं करते थे, पीछे अल्लाहु आलम क्या मिसाल। तो उस ज़माने में भी मेरी यही कोशिश रहती थी कि उनको इस तरह के कामों से रोका जाए। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि गलती से, जब इंसान सोचता सुनता रहता है ना, मुझे आज भी याद है। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि अपने माहौल को अच्छा रखो। तो मेरे ज़बान से एक दफ़ा गलत बात निकल गई, तो एक लड़का था, वो गालियाँ बहुत देता था, वो कहने लगा तुम्हारे मुंह से। कहता है यार हम तो बुरे हैं, तुम तो अच्छे हो, तुम तो हमें अच्छाई की तरफ दावत देते हो, तुम ये ना कहा करो। तो वो आखिरी दिन था कि मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकली और बेख्तियारी निकली। और फिर उसके बाद मैंने शदीद एहतियात की, लेकिन उसका एक एलिमेंट ये भी था कि एक बच्चा
जो 14 साल का है वो इस बात को रिकग्नाइज़ करता था कि अच्छाई और बुराई में क्या फ़र्क है, और मैं जो उनसे बातें करता था वो बातें जो हैं उनको बोर करके चुभने वाली तो नहीं थी, मकसद इस्लाह था, और वो उसको समझते थे कि ये काम गलत है। इसी तरह एक लड़का था वो सोने की चेन पहनता था। मुझे याद है मैं उस वक्त शायद मैट्रिक में होऊंगा या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, तो मैंने उससे कहा कि यार ये सोने की जो तुमने चेन पहनी है, सोना तो मर्द पे हराम है। तो अगले दिन वो आया और उसके पास चेन नहीं थी, उसने चांदी की एक चेन पहनी हुई थी। उसने कहा मैं चांदी की चेन पहन सकता हूँ। मैं कहा मर्जी है, पहन लो, लेकिन ये है कि कोशिश करो कि उन चीज़ों से बचो जो तुम्हें किसी और के साथ मुंसलिक करें। कि वो गैंग्स वगैरह के जो लड़के होते थे वो इस किस्म की चीज़ें करते थे, वो उनके करीब भी था, वो मुझसे करीब भी था, तो दोनों तरफ लेके चलना चाहता था। तो बाहर अल्लाह का बड़ा करम हुआ। इसी तरह मुझे एक दफ़ा याद है कि हमारे साथ एक लड़का होता था, वो हमसे उम्र में 1-1.5 साल बड़ा था, शाम फेल हो गया था, तो हम छोटे थे और उसकी मूछें मूछें भी निकल आई थी, दाढ़ी वाड़ी भी थी उसकी, चौधरी था। तो वो क्लास में लोग उससे बड़ा डरते थे, वो लंबा भी था सबसे। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें जो 4-5 इंच लंबा हो आपसे तो सब उससे ज़रा बच के रहते हैं। तो इसी तरह जो है हम बड़े हुए तो हाई स्कूल में आ गए। मुझे याद है शायद 10th या 11th की बात है, तो एक और लड़का होता था, उसने उस ज़माने में बॉडी बिल्डिंग करके ना अपने आप को ऐसा मस्कुलर बना लिया था, जानदार बना लिया था। तो एक दिन मैं और वो बैठे हुए थे, और वो उसको भी लड़ने झगड़ने का बड़ा शौक़ था, वो भी एक बड़ा तो फटे करना और मास स्केल के ऊपर। बहरहाल तो कहने लगा कि यार ये जो चौधरी है ना, इसको मैं बताता हूँ। मैं कहा क्यों बताता हूँ? कहता है यार हमने इतना अरसा गुजारा और लोग इससे डरते थे और ये था और वो था, मैं बताता हूँ इसको कि अब जान किस में ज़्यादा है, देखना मेरे डोले कितनी मैंने जान बनाई है, इसको मैं चैलेंज करता हूँ। मैं कहा क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा क्या होगा? तुम दोनों अभी दोस्त हो, तुम जवानी के जोश में उससे लड़ लोगे, अपनी दोस्ती भी ख़राब करोगे और उन बच्चों से भी अपनी दोस्ती ख़राब करोगे जो तुम दोनों के सांझे दोस्त हैं। कोई उधर को हो जाएगा, कोई इधर को हो जाएगा, क्यों लड़ते हो आपस में, क्यों लड़ते हो आपस में? मैं बहुत कोशिश की, 2-3 साल मैं इन लोगों के साथ लगा रहा। ऐसे बहुत सारे लड़के हो गए थे जो अब चूँकि ज़्यादा हो गए थे ना, तो सबको जवानी का जोश था, तो सब ने अलग 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 ग्रुपिंग कर ली थी, इससे फड्डा उससे फड्डा, वो 5-6 लड़कों का एक ग्रुप, वो 4-6 लड़कों का, फिर कोई कॉमर्स में चला गया, कोई आर्ट्स में चला गया, कोई साइंस में चला गया, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, प्री इंजीनियरिंग में चला गया। तो वो जो डिवीजन हो गई उसकी वजह से आपस में, और फिर दूसरे बाहर से जो और स्कूलों से लड़के आए उनसे दोस्ती हुई, तो वो तुर्रम खानी आ गई ज़रा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में भी सबसे दोस्ती रही, नयों से भी पुरानों से भी, और मेरी कोशिश यही रही कि मैं इन लोगों में मुसालहत करता रहूं। अब बाहर स्कूल के जो मामलात हुए उस पर तो मेरा कंट्रोल नहीं है, स्कूल से बाहर तो मैं नहीं मिलता था ज़्यादा। मेरा एक ही मकसद था कि हम स्कूल तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं और वही हमारा मकसद है और उसी को हमने फुलफ़िल करना है। ठीक है, शरारतें सब करते थे, मैं भी करता था, तो शरारतों में पकड़े नहीं जाते थे, उसकी वजह ये थी, मैं बताता हूँ आपको, कि पढ़ता बहुत अच्छा था। तो टीचर्स, आई वाज द लास्ट पर्सन जिसके ऊपर टीचर्स का शुबा जाए कि यार इसने शरारत की होगी। शरारतें की हैं मैंने, बिल्कुल की हैं। सख्त गर्मियाँ होती थी उधर, क्या कहते हैं, डेजर्ट में, सहराओं में, तो काफ़ी गर्मी होती है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है, कभी 50 को तजावज़ करता है, अक्सर 40s में रहता है, 45-46, ये तो आम है। तो बस इसी तरह गर्मियों का ज़माना था, तो टीचर्स आते थे तो वो पंखा ऑन कर देते थे क्लासरूम में। अब मुझे ये होता है कि अब बचपन था, नहीं करना चाहिए था, शेयर कर रहा हूँ ऐसे आपसे, आज बात हो रही है। तो मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं कि ये जो चौक है ना, चौक इसका करते हैं पाउडर, और पाउडर करके ये जो पंखे हैं ना, हमारा है पीटी पीरियड, तो सारे तो गए होंगे क्लास से, तो 2-3 लड़के थे। मैंने कहा ऐसा करते हैं, चौक का पाउडर बना के ये जो पंखा है ना, इसके परों के ऊपर बिछा देते हैं और पंखा कर देते हैं बंद। जो टीचर आएगा अगली क्लास में उसको लगे कि गर्मी
और वो ऑन कर देगा। तो फिर जब उसके सर के ऊपर पंखा था, बाकी सारे पंखे चलाएंगे, वो पंखा बंद रखेंगे, जब उसको गर्मी लगेगी वो ऑन करवाएगा, वो ऑन करवाएगा तो वो चौक में नहा जाएगा। तो बहरहाल इस तरह की शरारते करते थे। तो एनीवे पता किसी को नहीं चला कि किसने की थी, क्योंकि हम दो तीन लड़के ही थे क्लास में, बाकी सारे तो पीटी पीरियड में गए हुए थे। इस तरह की शरारतें। अच्छा, एक दफ़ा सारे बच्चे मिलके शोर कर रहे थे, तो एक हमारे टीचर थे वो आए, सख्त थे, उन्होंने आके सारे जितने थे सबकी फेंटी लगाई। मॉनिटर से कहा कौन शोर कर रहा था, उसने कहा सर सारे कर रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा, सारे लाइन से खड़े रहो, सबको फेंटी लगाई। तो उसके बाद में उसको कहते रहे, यार मैंने सबको फेंटी लगाई, मुझे एक बच्चे को फेंटी लगाने का बड़ा दुख हुआ। उसने कहा किसको? कहते यार ये साध को नहीं मारना चाहिए था, ये अच्छा बच्चा है, इसको बस अब खैर सबके साथ इसको भी पड़ गई। तो एनीवे इस तरह होता था, टीचर्स मोहब्बत बहुत करते थे। अच्छा, मैं क्लास में मजाक करता था, जोक्स करता था, वो इन्जॉय करते थे उन चीज़, लेकिन मेरी नकल करके जो दूसरे बच्चे वही जोक्स करना चाहते थे उनको डांट पड़ती थी, क्योंकि वो अच्छा नहीं पढ़ते थे। या फिर वो एक होता है कि टीचर्स को एक चाह हो जाती है, एक मोहब्बत हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ, तो वो फिर ये है कि उनकी बातें फिर उनको बुरी नहीं लगती, वो उनको दूसरे तरीके से लेते हैं। तो खैर, इस तरह की बहुत शरारतें, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा रहा। एक हमारे मैथ्स के सर होते थे, तो खैर बहरहाल इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। लेकिन एज ए टीनेजर आई वाज जस्ट लाइक एन एवरी लाइक अ नॉर्मल किड, सिर्फ मैंने अपने आप को गंदी जबान से बचाए रखा और उन बुराइयों से, गुनाहों से बचा के रखने की कोशिश की जिनमें आम तौर पर लड़के उस उम्र में मुब्तला हो जाते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त लड़कियों का चक्कर होता है और ग़लत सोहबत होती है और ग़लत काम होते हैं। जैसा हम बस में जाते थे, हम सुनते थे कि किस कदर बच्चों को गुनाहों का शौक़ है। आज मैं सोचता हूँ कि उन लोगों को उस सख्त माहौल में भी इतना गुनाहों का शौक़ था, कि जब इतनी बंदिशें थी माहौल में, मिडल ईस्ट में इतना खुला माहौल तो नहीं था उस ज़माने में। अब का नहीं पता मुझे, मैं तो ख़ुद 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 20-22 साल हो गया उस मुल्क में नहीं गया मैं, तो अल्लाह आलम कि क्या हाल है उन सहराओं का जहाँ हमने एक अरसा गुजारा। लेकिन अल्लाह हिदायत, अल्लाह हिदायत। बस यही चंद एक वाकयात थे उस ज़माने के जो मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं, कि कुछ लोगों ने जो पूछा कि आप कैसे थे, तो भाई हम ऐसे थे, हम में भी कमियां थी, खामियां थी, बुराइयां थी, लेकिन ये है कि ट्राई टू ओवरकम, ट्राई टू फाइट विद देम, और अपने आप को रोक के रखते थे। वालिद साहब का इसमें बहुत अमल दखल था कि उन्होंने घर में एक ऐसा माहौल रखा था, माहौल का बड़ा फ़र्क होता है कि भाई आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उस माहौल से गुजरे हैं कि भाई मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, किसके साथ खेल रहे हो, कौन बच्चे हैं, फिर उन बच्चों के वालदैन से भी, फिर हमारे वालदैन की दोस्ती थी जिनसे हम मोहल्ले में खेला करते थे। हर चीज़ का वक्त था, पढ़ने का वक्त है, खेलने का वक्त है, बेवक्त नहीं था, जल्दी सोना, फजर में उठना, सारा घर उठ जाता था फजर में। वालिद साहब तो माशाल्लाह वो तो तहज्जुद पे ही उठ जाते थे। बहरहाल अच्छा रहा। फिर कुरान पढ़ना और फिर दूसरी जो किताबें थी घर में मौजूद उनका मुताला करना खाली वक्त में, जो फारिग वक्त हो, एजुकेशन वाज अ प्रायोरिटी। घर में ये था कि एजुकेशन जो है ना तुम्हारी, वो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो वक्त मिले तुम्हें, फिर उसको तुम दूसरी चीज़ों में लगाओ जो बेहतर है। क्या मैं स्पोर्ट्स खेलता था? हाँ, मैं स्पोर्ट्स खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन मैंने क्रिकेट के साथ साथ बहुत ज़्यादा फुटबॉल भी खेली, जिसे आप सॉकर कहते हैं, क्योंकि अरब में इसका बहुत ज़्यादा रिवाज था। तो सहराओं में फिर रमल होती है, फिर रमल में जो है वो सॉकर खेलना मुश्किल होता है, लेकिन हम खेलते थे। अब आप जब पाँव डालते हैं ना रमल में, तो आप में से जिन लोगों ने रमल देखी है, तो रमल में पाँव ऐसे धंस जाता है, तो उसके अंदर सॉकर खेलनी ज़रा मुश्किल होती है। अच्छा, कई कई इलाकों में कंस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से ज़रा रमल बैठ जाती थी,
तो फिर वहाँ पर सॉकर खेलना आसान होता था। मुझे याद है कि मैं क्रिकेट खेल रहा था रमल में ही, वहाँ ज़रा आज समझ लें थोड़ा सा दूर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कंस्ट्रक्शन की कुछ चीज़ें शायद यहाँ रमल में भी दबी हुई थी जहाँ मैं खेल रहा था। तो मैंने जो कैच पकड़ा ना, उसके बाद कैच पकड़ने के बाद जब मैं उठा तो मैं तो परेशान हो गया। मैं उस वक्त मेरे ख्याल से 12 या 13 साल का होऊंगा। क्यों परेशान हो गया कि मेरा जो बाया हाथ था ना वो ऐसा हो गया था बीच में से। तो मैंने अपने भाई को आवाज़ दी, वो उस वक्त शायद सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, मैं शायद 7th में 8th में होऊंगा। तो उसने कहा क्या हुआ? मैं कहा भाई मुझे लगता है मेरा हाथ टूट गया है। वो कहने लगा क्या मतलब? मैं कहा ये देखो ये ऐसे करके हाथ बना हुआ है। अच्छा मैं सारी बातें कर रहा, दर्द नहीं हो रहा मुझे, मैं उसे कह रहा हूँ मुझे लगता है ये हाथ टूट गया है मेरा। तो वो नीचे रमल में ईंट पड़ी थी, तो ईंट पे जो पड़ा ना हाथ, तो वो बीच में से जहाँ ईंट थी वहाँ टक टूट गई हड्डी। खैर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ एक हॉस्पिटल था कुवैती हॉस्पिटल, शारजा की बात है। तो उधर ले गए तो उन्होंने एक्सरे शेक्सरे किया, उन्होंने कहा जी आपकी हड्डी तो बस ऐसे इधर से यूँ हल्की सी और इधर से यूँ हल्की सी जुड़ी हुई है, बाकी तो सारी बीच में से टूट गई है। तो फिर उसने पकड़ के वापस जोड़ दिया, 3 महीने प्लस्तर लगा रहा। तो वो एक इंसिडेंट हुआ हड्डी टूटने का। बहरहाल लेकिन मैं कोई बहुत ज़्यादा खिलंडरा किस्म का लड़का नहीं था, लेकिन खेलता था शाम में थोड़ा बहुत, एक आध घंटा एंड स्टफ लाइक दैट। तो खैर तो वो एक खेल का जाविया। स्कूल में भी खेलता था, स्कूल में भी जो सालाना गेम्स होते हैं उसमें खेलता था। आई वॉज नेवर एन आउट परफॉर्मर, लेकिन ये पार्टिसिपेट करता था मैं। एक आध दफ़ा मैंने रग्बी खेलने की कोशिश की, तो एक वो बड़ा जानदार सा लड़का था, उसने जनाब ऐसे उठाया ना मुझे और ऐसे करके फेंका। तो उसके बाद अगेन रमल में आपको इतनी चोट नहीं लगती, इट्स लाइक सो सॉफ्ट। तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई ऐसे फेंकने वेंकने के खेलों से तो अल्लाह बचाए, हम सॉकर और क्रिकेट में ही ठीक हैं। तो फिर मैंने कभी वो रग्बी नहीं खेली। तो बहरहाल आखिरी बात एक शेयर करता हूँ। एज अ टीनेजर आई यूज़ टू लव, मुझे बहुत पसंद थी, जो कि मैं समझता हूँ कि शायद सही नहीं था, आई रियली रियली लाइक्ड इंडियन मूवीज़। मैंने उस पाबंदी थी, देख नहीं सकते थे आप, लेकिन यह कि आई लाइक देम एंड मुझे उस ज़माने में, मैं कभी कभी छुप के देखता भी था कि भाई यू नो जब घर में ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं है तो चलो देख लो। बहरहाल इट वॉज समथिंग, यू नो आई मीन आई विश I was not inclined towards that, लेकिन I did it, shouldn't have done it। लेकिन उसका एक पॉजिटिव एंगल ये है कि शायद अगर मैंने वो ज़िंदगी शायद ना गुजारी होती तो आम आदमी से मैं रिलेट कम कर पाता, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि I know it was गलत, लेकिन हर काम के पीछे अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होती है कि अगर मैंने वो चीज़ नहीं देखी होती तो मुझे पता नहीं होता कि उनमें होता क्या है, और जब तक अगर पता नहीं होता कि उनमें होता क्या है तो शायद आपसे मैं सेम ग्राउंड्स पे आकर बात नहीं कर पाता कि उनमें क्या गंद बला भरा हुआ है, और उससे नफ्स ख़राब होता है, दिमाग ख़राब होता है, जहन ख़राब होता है, उल्टे सीधे बंदे को ख्याल आते हैं। इट्स फैसिनेटिंग, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं, वो जो स्क्रीन पे लगते हैं उस जैसा इंसान ज़िंदगी के हर लम्हे में लगना चाहता है, हालांकि वो लोग जो स्क्रीन पर मौजूद हैं वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं लगते, ऐसे नहीं दिखते, ऐसे नहीं काम करते, लेकिन वो एक ख्याली तसव्वुर इंसान जहन में बना लेता है फिर उसको फॉलो करता है। इसीलिए यू नो आई मीन आई डोंट पोर्ट्रे के कोई यू नो आई एम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इसी दुनिया का आदमी हूँ, इसी दुनिया का बासी हूँ, आप जैसा आदमी हूँ। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हम सब में, हम सब ने गलतियाँ की हैं, ख़ताएँ की हैं, वी आर रिग्रेटफुल, ऐसे मोमेंट्स हैं। अल्लाह ताला ने का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखा, ख्वाहिशात नफसानी में अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए बहुत बहुत अल्लाह का करम रहा। बाकी दोस्तों को मैंने देखा जिनमें से कुछ लोगों ने ऐसी नादानियाँ की
اللہ معاف کرے، اس اللہ تعالیٰ توبہ کی ہدایت دے اور جو تائب ہو گئے ہیں انہیں توبہ پہ قائم رکھے اور مجھے بھی اپنے رحمت میں رکھے. اینی وے دیٹس بیسکلی ہو آئی ایم اینڈ ہو آئی واز ایز اے ٹینیجر. کچھ باتیں اچھی، کچھ باتیں بری، سب میں ہوتی ہیں. دا باٹم لائن از کہ ہمیں کسی کو جج کرنے کا حق نہیں ہے. ججمنٹ صرف اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کا رائٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہی اصل میں جج ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے بارے میں قرآن کریم کی پہلی سورہ میں فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ یوم الدین کا مالک میں ہوں، میں بادشاہ ہوں. اس دن میں پوچھوں گا سب سے کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، من الملک اليوم، آج کس کا ملک ہے. پھر ایک ہر طرف سناٹا چھا جائے گا، خاموشی چھا جائے گی، بڑے بڑے بادشاہوں کو سانپ سونگ جائے گا. تو میرا رب خود فرمائے گا کہ آج اللہ کا ملک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس جب گناہوں کا خیال آئے تو ایک بات سوچ لیا کرو کہ ایک دن جواب دینا ہے. اس دن ہم کیا کریں گے میرا بھائی، کہ جب دنیا خالی کر دے گی اپنے آپ کو اور بتائے گی رب کو کہ اس شخص نے مجھ پر، تیری دھرتی پر، تیری بنائی زمین پر، میرے سینے پر یہ گناہ کیا تھا، اس دن کیا کرو گے؟ بس یہی خیال آ جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں گے اس دن، کہ جب یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گی اور یہ ہاتھ، یہ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری یہ جلد یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور انسان پکار اٹھے گا کہ تجھے کیا پڑا تھا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. جلد کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا اور وہ جلد کہے گی کہ اس رب نے مجھے بھی زبان دی جس نے تجھے بھی زبان دی، پر فرق صرف اتنا ہے کہ تو نے اپنی زبان کو کفر میں استعمال کیا، گناہوں میں استعمال کیا. آج میں اپنی زبان کو تیرے خلاف حق میں، سچ میں، گواہی پر جمع کرتی ہوں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.